पीनट खानी है। पीनट यार मैंने खा ली ना काफी सारी, आप खाओ। सही है, आप लोगों ने खानी है तो खा लो मेरे साथ, एंजॉय करो। मैंने तो कर लिया, अब मैं बहुत थक गई, कब से नहा रही हूँ मैं समंदर में, तो जाने की तैयारी में हूँ। लेकिन मैंने बोला थोड़े कपड़े सूखे ना। यार आपकी भाभी जगह जगह पे ना रुक रुक के, इधर कैमरा खोलो, इधर ऑन करो, अभी बोली यहाँ पर करो करो ऑन, ये मेरे जानने वाले कांटे। लो भाई इसके जानने वाले हो गए, मेरा नहीं है कोई। मैं सलाम दुआ बहुत बना ली ना, असल में आप मशहूर हो ना नौरीन भाभी, यही बात है। ये इस वजह से मैं पहले आतिम के साथ भी आई थी इसी हाइट पे। इस हाइट पे आई थी? हम लोग खेल ले जाती फोन में। अच्छा इस पे आई थी और आगे भी एक और उधर भी गई। हाँ यार ये लोकेशन तो अच्छी है हट की, बहुत प्यारा हट है। हम लोग स्टैंड लेके आए थे, हम लोगों ने वहां रखा था, फिर आते फोर में खेल ले। अच्छा वहां पे बैठ जाओ, धूप में सूख जाओगे। ये सूखने के लिए स्पेशल आई ऊपर। हाँ यार मछली हम लोगों को नहीं मिली यार, मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज का, हम लोगों को मछली नहीं मिली। मैंने आज मछली नहीं खाई तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, ये मैं बता दूं पहले। अच्छा अब आप जाए मेरे लिए मछली लेके, मैं समंदर के अंदर से जाके लेके, समंदर में घुस के भले मगरमच्छ मेरी मार दे। अंदर नहीं होगा मगरमच्छ, होते है ना, मैं नेवी का गोरिल्ला हूँ, समझ में आई, मुझे सब पता है ना। हम लोग सब बीच में अंदर समंदर में घुस जाते थे ना गोताखोरों के साथ, तो नीचे ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी मछलियाँ और कांटे वाले वो पिटन फिशेस पता नहीं कौन कौन सी होती हैं डेंजरस, वो काटने को दौड़ती है। वो तो हमारे साथ सिलेंडर वगैरह होते थे ना तो खुद डर जाती थी कि यार ये क्या यार इनके साथ लगी है, इसलिए भाग जाती थी। अब इतने प्यार से वो सामने खड़े हुए शिकारी को बोलूं मेरे लिए अंदर चला जाए। हाँ चला तो जाएगा, लड़की की बात सुन के हर कुछ चला जाता, यही बात है ना और क्या। अगर मैं भी लड़की बन जाऊँ मेरी ही बातें सब सुनेंगे, क्यों लड़की की बात चलती है किसी बंदे की नहीं चलती थी? लेडीज फर्स्ट बोलते हैं ना हर जगह। हाँ एहतराम करना चाहिए ना लेडीज का, आई थिंक किसी वजह से बात सुन के चले जाएंगे वो लोग। यहाँ से लोकेशन अच्छी आ रही है, फेस बिल्कुल क्लियर आ रहा है, जितना ऊपर करो ना ऐसे करके देखो अब सही आ रहा है ना। इसको मेरी आदत है, मतलब इस कैमरे को मेरा चेहरा इसने पिक किया हुआ। हाँ यार इसकी वीडियो लोग पसंद करते हैं इस कैमरे की, वो आपने गोप्रो डाला भी पसंद नहीं की किसी ने, उसमें डिसलाइक आए हुए, पता नहीं वीडियो की वजह से आया या रिजल्ट की वजह से। रिजल्ट तो अच्छा है उसका, पता नहीं क्या मसला है। थका नहीं हूँ मैं, आपके पीछे जाओ फिर वापस इधर आना पड़ता है, वापस यहीं लेके आ जाती हूँ। मैं तंग करती हूँ? बहुत तंग करती हो। आप मेरे तंग आ गए, अभी अभी आप लोगों के सामने मलिक साहब ने बोला मेरे से तंग आ गए, इस चीज का फैसला करना चाहिए। फैसला इसका क्या मकसद है कि आप मुझे छोड़ दोगी? मैंने ये नहीं बोला, मैं तो आपको मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगी, यानी कि रूह बन के जो है मेरी जिंदगी खराब बन, उसके मरने के बाद बंदा रूह बनता है या चुड़ैल बनता है? मैं अल्लाह ताला को बोलूंगी अल्लाह ताला मैं चुड़ैल बनाओ ताकि ये डरे भी नहीं। रूह से डर नहीं लगेगा ना आपको, बोलेंगे आप मेरी बीवी की रूह है, चुड़ैल बनूंगी तो बोलेंगे बीवी की चुड़ैल है, मैं कुछ गलत करूंगा तो ये मुझे पकड़ के खा जाएगी इस वजह से। अच्छा चलो ठीक है यार, अब बाय बाय नहीं कर रही? हाँ ना जान लिए मेरे, चलो 1 2 अब मैं सूख गई काफी सारी है ना। चप्पल कहाँ गई आपकी? उधर चलो।
झाड़ लो, झाड़ लो, चलो। बहुत अच्छा मंजर है यार बीच का। अब घर जा रही हूँ, अभी मैं अपना लक देखती हूँ। रास्ते में एक फिश वाला होता है, वो भी हमारा जानने वाला अली ना। हाँ उधर ही चलते हैं यार। अगर वहां से मिल गई तो ये लक है, अल्लाह की मेहरबानी है, और अगर ना मिली तो मैं समझूंगी कि आज अली है कौन है पता, आप जानती हो? आई थिंक वो मेरा दोस्त है ना जुम्मन, उसका बेटा है, ओड़े वाला जो है। हाँ उसका बेटा है, मैं जानती हूँ भाई सबको, आपके दोस्त हमारी हमारे 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 गोट से आगे दूसरा साथ वाला गोट नहीं है, उसके अंदर है। चलो चलो, चलो क्या अब हम जा रहे हैं। ओके सही है, आप लोग यहाँ इधर दरवाजे के पास आ जाओ। चलो यहाँ पे बिल्कुल फोकस अच्छा आएगा। अब मैं जा रही हूँ, खबर मैं ये किस लिए लाई? किस लिए लाई हो? लगाया लगा। अब मैं कैसी लग रही हूँ? बम्बाट लग रही हो, हीरोइन लग रही हो, ऐश्वर्या राय के खानदान से लग रही हो। अब मैं जा रही हूँ, आप लोगों को पता है मेरी वीडियो में एक दफा अल्लाह हाफिज नहीं होता है ना? अल्लाह हाफिज बार बार बोलना चाहिए, अल्लाह के हवाले कर दे बंदा। अल्लाह हाफिज का मकसद ये होता है कि अल्लाह पाक उस पर रहमत बरसाता है और अपने खैरियत से रखता है, अल्लाह हाफिज का मतलब ये होता है। चलो अब दूसरी वीडियो में मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे, तो फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।